चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सबसे पहले न्यू एपिसोड यहां अपलोड होगा। विद्युत फिलहाल जिस लेवल पर पहुंचा था उस पर रहकर वो आई ऑफ डेथ टेक्निक नहीं सीख सकता था, और रक्षक के लेवल पर पहुंचने का लंबा सफर तय करने में विद्युत को वक्त लगने वाला था। इसके अलावा अक्ष ज्ञान की किताब में और भी छोटी मोटी आंखों से जुड़ी टेक्निक्स थी जिनकी मदद से विद्युत एक प्लेयर के दिमाग को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, जिसके बाद विद्युत का दुश्मन दिमागी संतुलन खोने की वजह से पागल भी हो सकता था। अगर विद्युत ने ऐसी किसी टेक्निक को सीखकर अपने दुश्मन पर हमला किया तो वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा और वो धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत की तरफ बढ़ता जाएगा। एक बार कोई भी इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठे तो वो दोबारा आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी सकता था। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता था। विद्युत अब ये जान चुका था कि अक्ष ज्ञान की किताब में बहुत ही जानलेवा और दर्दनाक टेक्निक्स है जो दुश्मन को बिना सुराग छोड़े मौत के घाट उतार सकती है। विद्युत जानता था कि वो इतनी जल्दी आई ऑफ डेथ टेक्निक को सीख नहीं पाएगा, लेकिन वो इस किताब को समझकर अपनी आंखों की शक्ति और ब्लड लाइन पावर को एक नए लेवल पर ले जा सकता था। विद्युत ने फैसला किया कि वो अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों पर ही काम करेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। प्लेयर्स को ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन के मैदान में पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना था, इसलिए विद्युत ने तय किया था कि वो अपने आत्मा शक्ति क्रिस्टल के दूसरे लेवल और अपनी ब्लड लाइन पावर के साथ साथ अक्ष ज्ञान की किताब के कुछ पन्नों को समझने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी ब्लड लाइन पावर और आंखों की शक्ति एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। करीब 5 दिन बाद जब विद्युत ने अपनी आंखें खोली तो उसे थकान महसूस होने लगी थी। भले ही वो इस वक्त पक्षी पर बैठकर सफर कर रहा था, लेकिन आत्मा शक्ति क्रिस्टल को समझने और अक्ष ज्ञान की किताब पर फोकस करने की वजह से उसकी मेंटल एनर्जी धीरे धीरे कम पड़ती जा रही थी। तभी अचानक विद्युत को दूर से एक सफेद रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। विद्युत ने बीते 5 दिनों में खुद पर बहुत काम किया था। वो आत्मा शक्ति क्रिस्टल के दूसरे लेवल को समझने में कामयाब रहा, और तो और विद्युत की मेंटल एनर्जी अब किसी महावीर योद्धा से भी 2 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। विद्युत ने आत्मा शक्ति क्रिस्टल के दूसरे लेवल को करीब 80% तक समझकर पार कर लिया था, जिसकी वजह से विद्युत के माथे पर बना वो बिजली का निशान चमकने लगा था। अब अगर विद्युत अपनी विरासत में मिली बिजली की ताकत का इस्तेमाल ना भी करे तो भी उसके माथे पर बने बिजली के निशान को चमकते हुए आसानी से देखा जा सकता था। म्याओ। विद्युत को आंखें खोलता हुआ देखकर उसकी बिल्ली झट से बोली। विद्युत की बिल्ली ने इन 5 दिनों में विद्युत की बहुत मदद की थी। वो किसी पहरेदार की तरह उसके आसपास पहरा दे रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि विद्युत की बिल्ली ने तेज हवाओं से विद्युत को बचाया था। थैंक यू, विद्युत ने कहा, और फिर विद्युत ने अपनी बिल्ली को वापस टोकन के अंदर डाल दिया। विद्युत अपनी बिल्ली से बहुत खुश था। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें भी कुछ क्रिस्टल देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद विद्युत ने जैसे ही अपने बैग में हाथ डाला तो उसने देखा कि खजाने में मिली अंगूठी और कुछ हीरे जवाहरात गायब है। चालाक बिल्ली, विद्युत अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। वो जानता था कि ये सब उसकी बिल्ली ने ही किया है। पलक झपकते ही विद्युत के माथे पर बना बिजली का निशान दोबारा चमकने लगा। आसमान में अचानक बादल छाने लगे थे। बादलों की गड़गड़ाहट कुछ ही सेकंड्स में बिजली के कड़कने में बदल गई। ये मौसम में अचानक बदलाव कैसा? दूसरी एकेडमी के प्लेयर्स ने हैरान होते हुए कहा। विद्युत के बैग में रखे क्रिस्टल के साथ साथ बेशकीमती हीरे जवाहरात भी गायब थे। विद्युत जानता था कि ये किसने किया है। उसकी बिल्ली ने बिना विद्युत की इजाजत के बैग में रखे कुछ क्रिस्टल और हीरे जवाहरात खा लिए थे। विद्युत को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि एक जानवर भला ये सब चीज खाने के बाद भी जिंदा कैसे रह सकता है। पर जब से विद्युत को शक्तियां मिली थी और उसने जादुई चीजों को समझना शुरू किया था, तब से उसे अपनी बिल्ली अजीब नहीं लगती थी। विद्युत की बिल्ली कोई भी काम फ्री में नहीं करती थी। उसने 5 दिन विद्युत की मदद की थी, जिसके लिए उसने विद्युत के कुछ क्रिस्टल्स और हीरे जवाहरात खा लिए थे। ये सब किसी फीस की तरह था। विद्युत इस वक्त गुस्से में लग रहा था।
अचानक मौसम में बदलाव आना विद्युत के ही प्रकोप का कारण था। यहां तक कि नंबर वन प्लेयर दिव्यम को भी खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा था। विद्युत ने एक गहरी सांस ली और अपनी बिल्ली को टोकन से बाहर निकाल लिया। उसने जैसे ही अपनी बिल्ली को कसकर पकड़ा तो वो हवा में हाथ हिलाने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, म्याओ। ऐसा लग रहा था मानो वो विद्युत को सफाई देने की कोशिश कर रही हो। तुमने मेरे कीमती क्रिस्टल्स और खजाना बिना मुझसे पूछे कैसे खा लिए? तुम्हारी खुराक इतनी ज्यादा है कि तुम क्रिस्टल से भरा एक कुआं भी चट कर जाओ, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा आकार क्यों नहीं बढ़ रहा है? विद्युत गुस्से में बोला। विद्युत की बिल्ली चाहे जितना भी खा ले, लेकिन फिर भी उसका आकार छोटा ही था। उसके बढ़ने की रफ्तार बहुत कम थी। उसकी बिल्ली ने बिना उससे पूछे क्रिस्टल और कीमती खजाना ले लिया था। उसमें से कुछ चीजें आगे चलकर विद्युत के काम आ सकती थी। विद्युत को गुस्से में देखकर उसकी बिल्ली ने मायूस होते हुए कहा, म्याऊ। वो विद्युत को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आने वाले ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन में वो विद्युत की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। उसने जो गलती की है वो उसका भुगतान करेगी। तुमने अब तक बहुत से रिसोर्सेस हजम किए हैं, लेकिन क्या वक्त के साथ तुम्हारी पावर्स में बदलाव आया है? क्या तुम्हारे पास भी कोई अनोखी शक्ति है? विद्युत ने पूछा। यह सुनने के बाद विद्युत की बिल्ली चुप हो गई। उसने आगे एक शब्द तक नहीं कहा, जिसके बाद विद्युत और भी मायूस हो गया। तभी अचानक विद्युत को दूर से एक चमकती हुई सफेद रोशनी नजर आई। इस रोशनी की तरफ देखने पर विद्युत को अजीब सा एहसास हुआ। फाइनली हम लोग पहुंच ही गए, अचानक युवान ने कहा। वो लोग इस वक्त एक बड़े से खाली मैदान के पास पहुंच चुके थे। उस मैदान में सिर्फ एक दरवाजा था जिससे सफेद रंग की तेज रोशनी आ रही थी। उसे देखकर सबकी आंखों में चमक आ गई। वो जगह किसी रेगिस्तान से कम नहीं थी। वहां पर कोई महाशक्तिशाली योद्धा से कम लेवल पर मौजूद प्लेयर जिंदा नहीं रह सकता था। आसमान में खूंखार जानवरों का पहरा था जो पलक झपकते ही शूरवीर योद्धा को घायल कर सकते थे। तो ये है वो जगह, विद्युत ने उस बड़ी सी पहाड़ी को स्कैन करते हुए कहा। इस जगह को देखकर न जाने क्यों विद्युत को 100 कब्रों वाले कब्रिस्तान की याद आ गई थी। विद्युत और उसकी टीम के वहां पहुंचने से पहले शहर के दूसरे प्लेयर्स भी वहां आ पहुंचे थे। हमारे आसपास के शहरों से भी प्लेयर्स यहां आए हैं। इस बार मुकाबला टक्कर का होने वाला है, दिव्यम ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने दूसरे शहरों के ताकतवर प्लेयर्स के साथ साथ कई जानी मानी फैमिलीज के प्लेयर्स ने भी हिस्सा लिया था। विद्युत और उसके साथियों ने जैसे ही उस रेतीले जगह पर कदम रखे तो अचानक विद्युत को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तो तुम भी यहां हो, उस लड़की ने कहा। उसे देखकर विद्युत समझ गया कि वो उनकी टीम से बात कर रही है। तभी दिव्यम अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला, ये दोबारा यहां आ गई। उस लड़की को देखकर दिव्यम का सिर दुखने लगा था। हाय लूजर, कैसे हो तुम? उस लड़की ने दिव्यम से कहा। यह सुनकर दिव्यम को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन दीपक अपनी हंसी रोक नहीं पाया और धीमे से हंसते हुए बोला, जलयोद्धा ये दामिनी है। दामिनी ने ये नाम पिछली बार हुए ट्रू फाइटिंग कॉम्पिटिशन में दिव्यम को दिया था। दिव्यम लगातार दो बार दामिनी से बुरी तरह हार चुका था, इसलिए उसने दिव्यम को लूजर कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। दामिनी मैसूर शहर से थी और वो शहर की ऐसी इकलौती प्लेयर थी जिसके पास सबसे ताकतवर ब्लड लाइन पावर थी। अपने शहर में दामिनी बहुत फेमस है। आसपास की अकेडमीज भी अपने प्लेयर्स को दामिनी के ही जैसा बनने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एक बार दामिनी ने दो महावीर योद्धाओं को भी चैलेंज कर दिया था, नियति ने विद्युत को बताते हुए कहा। आखिरी बार जब ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था तो दामिनी टॉप 100 में आसानी से पहुंच गई थी। इस बार मुझे लगता है कि इसकी ब्लडलाइन पावर और ताकत पहले से भी बढ़ गई होगी, सानवी दामिनी की तरफ देखते हुए बोली। वो भी इस वक्त विद्युत के बगल में ही खड़ी हुई थी। दामिनी मुस्कुराते हुए विद्युत की टीम के पास आ गई। क्या तुम अब भी नंबर वन की कुर्सी को हड़प कर बैठे हो? लगता है तुम्हारे शहर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो तुम जैसे लूजर को टक्कर दे सके, दामिनी ने दोबारा हंसते हुए दिव्यम से कहा।
इतना कहने के बाद दामिनी कोयम्बतूर शहर के 10 प्लेयर्स की तरफ देखने लगी। जैसे ही दामिनी ने उन प्लेयर्स की तरफ देखा तो ज्यादातर प्लेयर्स ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन सुधीर कुछ कम नहीं था, वो दामिनी की तरफ ही देख रहा था। इसके साथ ही रेयांश, निहारिका और विद्युत भी गर्व से अपना सिर उठाए उसके सामने खड़े हुए थे। लेकिन दीपक ने कुछ सेकंड्स के लिए दामिनी की तरफ देखा और फिर उसने अपनी नजरें घुमा ली। सभी प्लेयर्स को देखने के बाद दामिनी थोड़ी सी हैरान थी। उसने अभी अभी प्लेयर्स की ताकत को परखने के लिए उन पर एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जो भी प्लेयर उसकी आंखों में देख नहीं पाए थे वो सब उससे 10 कदम पीछे थे। लेकिन जिन प्लेयर्स ने दामिनी के सामने अपनी नजरें नहीं झुकाई उनकी ताकत को दामिनी की ताकत के साथ कंपेयर किया जा सकता था। सुधीर एक ताकतवर प्लेयर था। इसके साथ ही दामिनी रेयांश की ब्लेड इंटेंट टेक्निक की ताकत के बारे में जान चुकी थी। रेयांश को ब्लेड इंटेंट टेक्निक आती है, मेरे हिसाब से ये अपनी ब्लेड इंटेंट टेक्निक से शायद दिव्यम को भी पीछे छोड़ दे। रेयांश मुझे कड़ी टक्कर दे सकता है, दामिनी ने मन ही मन कहा। इसके अलावा दामिनी ने विद्युत और निहारिका की ताकत का अंदाजा लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अचानक दामिनी ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। दामिनी जानबूझकर विद्युत से बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसकी ताकत का अंदाजा लगा सके। वो विद्युत को एक नजर देखते ही ये तो जान चुकी थी कि विद्युत जल्द ही शूरवीर योद्धा के लेवल पर पहुंचने वाला है। दामिनी के वहां आने पर कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स के पसीने छूटने लगे थे। वो सब जानते थे कि दामिनी एक ताकतवर प्लेयर है और उन्हें उससे कॉम्पिटिशन में खतरा हो सकता है। धीरे धीरे दूसरे शहरों के प्लेयर्स भी वहां पहुंचने लगे। वो लोग कौन है? अचानक नियति ने हवा में इशारा करते हुए कहा। तभी सबकी नजर एक बड़े से नीले रंग के पक्षी पर पड़ी। उस पर बहुत से प्लेयर्स सवार थे। ये तो व्हाइटफील्ड शहर के लोग हैं। व्हाइटफील्ड शहर को लीड करने वाला लीडर इस वक्त हाथ में एक छड़ी लिए रेतीले मैदान की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें किसी बाज की तरह सब पर नजर रखे हुए थी। उसने शरीर पर एक लोहे का कवच पहना हुआ था। वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक में माहिर था और तो और वो ट्रू लॉर्ड रैंक के लेवल पर पहुंच चुका था। कोई भी उससे दुश्मनी मोल लेने की गलती नहीं करना चाहता था। भले ही कोयम्बतूर शहर के लोग व्हाइटफील्ड शहर के ज्यादा प्लेयर्स को नहीं जानते थे, लेकिन व्हाइटफील्ड शहर की अकेडमी के पास भी इस वक्त ट्रू लॉर्ड रैंक पर मौजूद एक लीडर था, जिसकी वजह से उनकी ताकत को कम समझने की गलती नहीं की जा सकती थी। व्हाइटफील्ड शहर की अकेडमी के पास 2 होनहार प्लेयर्स थे। उनमें से एक ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो शूरवीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका था। इसके अलावा उनमें से दूसरा प्लेयर हाल ही में महाशक्तिशाली योद्धा के लेवल पर पहुंचा था। न जाने अब आगे क्या होगा। आखिर व्हाइटफील्ड शहर से कौन 2 प्लेयर्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आए थे? क्या उनमें से कोई फ्यूचर वॉरियर अकेडमी से भी था? क्या विद्युत अक्ष ज्ञान की किताब को पूरा कर पाएगा? क्या वो टॉप 20 में अपनी जगह बना पाएगा? क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम? क्या है इन सब सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। व्हाइटफील्ड के लोगों ने विद्युत की अकेडमी के साथ साथ आसपास की बाकी अकेडमीज पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। वो लोग सभी अकेडमीज में से गिन चुनकर 2 प्लेयर्स को कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए लाए थे। तभी व्हाइटफील्ड शहर के लीडर यानी कि जतिन ने कहा, राकेश और हर्षित, हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ मौजूद दूसरे प्लेयर्स से मिल सकते हो, लेकिन याद रहे, कोई चालाकी नहीं और किसी से बेवजह फाइट मत करना। उसकी बात सुनकर राकेश और हर्षित ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अपने आसपास नए प्लेयर्स को देखकर हर्षित ने गहरी सांस ली। इतने सारे ताकतवर प्लेयर्स से घिरा होने के बाद हर्षित को खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा था। उसने रणविजय की दी हुई पिल खा ली थी, जिसके बाद वो एक नए लेवल पर पहुंचने में कामयाब रहा था। जतिन ने बड़ी ही चालाकी से बाकी सभी अकेडमीज पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन यहाँ वो किसी मासूम लीडर की तरह पेश आ रहा था, मानो जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। यहाँ पर जतिन की अकेडमी से भी कई गुना ताकतवर अकेडमीज मौजूद थीं,
जिनके कुछ प्लेयर्स मिलकर पल भर में ही वाइट फील्ड शहर की अकेडमी को हरा सकते थे। शायद इसलिए जतिन सबके सामने अच्छे से पेश आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी अकेडमी के प्लेयर्स किसी के साथ बेवजह फाइट करें और हंगामा खड़ा हो। विद्युत चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। नीले पक्षी से प्लेयर्स को उतरता हुआ देखकर उसे भीड़ में एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। हर्षित, विद्युत ने हैरान होते हुए कहा। यहाँ दूसरी तरफ हर्षित थोड़ा डरा सहमा सा आसपास के प्लेयर्स को चुपचाप देख रहा था। भीड़ में हर्षित विद्युत को देख नहीं पाया था, लेकिन विद्युत ने अपनी आंखों की शक्तियों से उसे पहचान लिया था। ये हर्षित और कितना गिरेगा, इसने जरूर रणविजय के साथ मिलकर ये सब किया होगा, लेकिन वो रणविजय कहाँ है? विद्युत ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। अब विद्युत के दिल में रणविजय के लिए 1% भी इज्जत नहीं थी, लेकिन हर्षित बिना रणविजय के यहाँ क्या कर रहा था? ये बात विद्युत को थोड़ी अटपटी लग रही थी। विद्युत पहले से बहुत ताकतवर हो चुका था, उसे फाइट के दांव पेच समझ आ चुके थे। अगर रणविजय अब भी पुराने लेवल पर ही हुआ तो विद्युत आसानी से उसे हरा सकता था। विद्युत रणविजय के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक दूसरी दिशा से दो प्लेयर्स के आपस में झगड़ने की आवाजें आने लगी। वो दोनों ही शूरवीर योद्धा के पीक लेवल पर पहुंच चुके थे। उनकी बीच तकरार की वजह से रेतीले मैदान की धूल हवा में उड़ने लगी थी। चारों तरफ धूल ही धूल थी। प्लेयर्स उन दोनों की फाइट देखकर मजा ले रहे थे, तो वहीं कुछ प्लेयर्स दो शूरवीर योद्धाओं को आपस में झगड़ता हुआ देखकर थोड़ा हैरान थे। ऐसे कॉम्पिटिशन की शुरुआत में प्लेयर्स के बीच छोटी मोटी झड़प होना आम बात थी। ये लोग हर बार ऐसा ही करते हैं, दीपक ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। पलक झपकते ही दूसरी अकेडमी के प्लेयर्स भी एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे थे। आखिरी बार हुए ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन में प्लेयर्स और अकेडमीज के बीच मनमुटाव पैदा हो चुके थे। इस बार दोबारा कॉम्पिटिशन में आमना सामना होने पर उनके मन में दबी हुई आग दोबारा दहक उठी थी, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। इसके अलावा वहां मौजूद प्लेयर्स एक दूसरे से फाइट करके अपने अपोनेंट की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते थे, ताकि उन्हें कंपटीशन में आगे बढ़ने में आसानी हो सके। जब विद्युत को ये बात पता चली तो वो हंसने लगा। यहाँ तक कि जिन प्लेयर्स के बीच मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं थी, वो भी बेवजह आपस में लड़ने लगे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग एक दूसरे की ताकत को परखना चाहते थे। जब सब अकेडमीज एक दूसरे पर हमला कर रही थी, तो भला कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स कैसे पीछे रह सकते थे? कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स को भी सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने उन पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो देखो, कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स भी यहाँ मौजूद है, देखते हैं ये कितनी तैयारी के साथ आए हैं। अचानक प्लेयर्स में से एक लड़के की आवाज सुनाई दी। उस प्लेयर के सिर पर बाल नहीं थे, इसके अलावा उसके सीने पर हरे रंग की नसें उभर आई थी, जो किसी टैटू की तरह लग रही थी, पर असल में वो उसकी ब्लड लाइन पावर थी जो उसकी नसों में दौड़ रही थी। ये तो तिरुपति शहर का प्लेयर शिवांग है, नियति ने कहा। शिवांग अपने शहर में टॉप 3 प्लेयर्स की लिस्ट में आता है। इसकी ब्लड लाइन पावर अनोखी है और पिछली बार ये टॉप 100 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा था, दीपक विद्युत को बताते हुए बोला। मैदान में मौजूद प्लेयर्स ने एक नजर देखते ही शिवांग को पहचान लिया था। शिवांग शूरवीर योद्धा के पीक लेवल पर पहुंच चुका था। शिवांग को मजाक उड़ाता हुआ देखकर कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स को उस पर गुस्सा आने लगा था। हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन लगता है कि तुम में वक्त के साथ कोई बदलाव नहीं आया, तुम अब भी वैसे के वैसे ही हो, अचानक कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स में से एक प्लेयर ने रौबदार आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। शिवांग ने जैसे ही रेयांश की तरफ देखा तो वो इतराते हुए बोला, क्या पिछली बार मुझसे हार कर तुम्हें खुशी नहीं हुई जो तुम दोबारा कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आ गए? रेयांश पिछली बार शिवांग से कॉम्पिटिशन में हार चुका था। जैसे ही सबने देखा कि कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स और बाकी प्लेयर्स के बीच अनबन होने लगी है, तो सब एक्साइटेड हो गए। इतना ही नहीं बल्कि दामिनी के चेहरे पर भी इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अचानक शिवांग ने अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया। ग्रीन सन ब्लेजिंग ड्रैगन टेक्निक, शिवांग ने हवा में अपने दोनों हाथ उठाए तो उसके सीने पर उभरी हुई नसें चमकने लगी। उसने पलक झपकते ही रेयांश पर अटैक कर दिया। ये तो उसकी ब्लडलाइन पावर की सीक्रेट टेक्निक है, एक प्लेयर ने हैरान होते हुए कहा। क्या टॉप 100 में पहुंचने वाले प्लेयर्स इतने ताकतवर होते हैं? कंपटीशन में पहली बार हिस्सा ले रहे एक प्लेयर ने कहा।
ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स ने जैसे ही शिवांग की ताकत देखी तो वो दंग रह गए। उसके हाथों से निकलती हुई हरे रंग की रोशनी पलक झपकते ही किसी भी शूरवीर योद्धा को मिट्टी में मिला सकती थी। यहाँ दूसरी तरफ व्हाइटफील्ड शहर की अकेडमी के प्लेयर्स भी ये सब देख रहे थे। ये तिरुपति शहर का प्लेयर है, राकेश ने हर्षित को बताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हर्षित शिवांग की तरफ देखने लगा। शिवांग को एक नजर देखने पर ही हर्षित के हाथ पैर कांपने लगे थे। यहाँ दूसरी तरफ रियांश ने शिवांग के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्राइक लाउड ब्लेड ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही रियांश के हाथों में एक बड़ी सी तलवार दिखाई देने लगी। उस तलवार से आग की लपटें निकल रही थी। इसके साथ ही वो अपनी आंखों से ब्लेड इंटेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शिवांग पर हमला कर रहा था। शिवांग और रियांश की ताकत देखकर उनसे कमजोर प्लेयर्स के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो रियांश की ब्लेड इंटेंट टेक्निक सिर्फ शिवांग पर ही नहीं बल्कि उन पर भी अटैक कर रही हो। ये तो ब्लेड इंटेंट टेक्निक है, भला रियांश की ब्लेड इंटेंट टेक्निक इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है, दूसरे शहर से आए प्लेयर ने कहा। उन्होंने पिछली बार कॉम्पिटिशन में रियांश को फाइट करते हुए देखा था, लेकिन तब रियांश को ये टेक्निक नहीं आती थी। इस बार उसने ब्लेड इंटेंट टेक्निक सीख ली थी। उसकी टेक्निक शिवांग पर इस कदर भारी पड़ने लगी थी कि शिवांग को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। इसके बाद रियांश ने अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर के इर्द गिर्द सफेद और नीले रंग की रोशनी उभर आई। इसकी ब्लेड इंटेंट टेक्निक तो न जाने ये इतना ताकतवर कैसे हो गया, शिवांग ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। पलक झपकते ही शिवांग ने खुद को रोक लिया था, और तो और कुछ ही सेकंड में रियांश की ब्लेड इंटेंट टेक्निक की वजह से उसके शरीर पर घाव के निशान उभर आए थे। अगर ब्लड लाइन पावर की बात की जाए तो रियांश शिवांग से कम नहीं था, लेकिन उन दोनों की ब्लड लाइन पावर एक जैसी थी। बस इस वक्त रियांश को उसकी ब्लेड इंटेंट टेक्निक की वजह से फायदा हो रहा था। यहां तक कि रियांश की ब्लेड इंटेंट टेक्निक को देखकर राजकुमार दिव्यम और दामिनी दोनों ही हैरान रह गए थे। रियांश ताकत के बलबूते पर आसानी से टॉप 100 में पहुंच सकता था। रियांश ने ब्लेड इंटेंट टेक्निक को गौरव से फाइट में हारने के बाद सीखना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक उसकी ब्लेड इंटेंट टेक्निक में बहुत बदलाव आया था। दामिनी ने भी कुछ महीने पहले ही गौरव के साथ फाइट की थी, जिसमें वो उससे हार चुकी थी। गौरव एक हाथ से फाइट करने के लिए मशहूर था। प्लेयर्स अक्सर उसकी बातें किया करते थे। ना ही गौरव के पास कोई अनोखी ब्लडलाइन पावर थी और ना ही अनोखा टैलेंट। इतना ही नहीं बल्कि उसे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, लेकिन उसने ये सब अपने बलबूते पर सीखा था। वो अपनी मेहनत के सहारे आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद शिवांग ने रियांश से हार मान ली। रियांश ये फाइट जीत चुका था। उसने कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स, हायर अथॉरिटीज और अकेडमी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। तभी ये सब देखकर सुधीर ने अपनी छड़ी उठाई और वो भी जंग के मैदान में कूद गया। सभी प्लेयर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तो भला वो पीछे कैसे हट सकता था। मैसूर शहर के दो प्लेयर्स जो कि शूरवीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुके थे, सुधीर उन्हें चैलेंज करना चाहता था। वो दोनों ही राजकुमार दिव्यम से कमजोर नहीं थे। देखते ही देखते सुधीर ने एक साथ दो प्लेयर्स से फाइट करना शुरू कर दिया। ब्लड लाइन पावर की वजह से वो आसानी से चोट लगने के बावजूद भी दो प्लेयर्स का सामना कर पा रहा था। करीब 100 अटैक्स के बाद घायल होने के बावजूद भी सुधीर ने उन दोनों प्लेयर्स को एक एक करके हरा दिया। लगातार कोयम्बतूर शहर के दो प्लेयर्स जीत चुके थे। उनकी जीत से दूसरी अकेडमीज के प्लेयर्स को अब उनसे डर लगने लगा था। अगर कोयम्बतूर शहर का दूसरा और तीसरा प्लेयर इतना ताकतवर है तो न जाने नंबर वन प्लेयर की ताकत का सामना हम लोग कैसे कर पाएंगे, मैसूर शहर के एक प्लेयर ने कहा। मैसूर शहर के प्लेयर्स कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स की ताकत देखकर कुछ पल के लिए दंग रह गए थे। असल में विद्युत जानता था कि सुधीर और दिव्यम की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं है। सब लोग इस वक्त पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्लेयर पर ही फोकस कर रहे थे। लेकिन तभी दामिनी की नजर विद्युत और निहारिका पर पड़ी। राज जाओ, जाकर उस नीले बालों वाले प्लेयर की ताकत का पता करके आओ, और माहिरा तुम उस खूबसूरत सी लड़की से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, दामिनी ने अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहा। राज और माहिरा 10 प्लेयर्स में 4 और 5 नंबर पर आते थे।
वो मैसूर शहर की एकेडमी के प्लेयर थे और उनकी ताकत को कोयम्बतूर शहर के तीसरे और चौथे लेवल पर मौजूद प्लेयर के साथ कंपेयर किया जा सकता था। दामिनी का टारगेट विद्युत और निहारिका थे। वो उन दोनों की ताकत को आजमाना चाह रही थी। कोयम्बतूर और मैसूर शहर की अकेडमीज के बीच अच्छा रिश्ता था और दामिनी इस बात का फायदा उठा रही थी। हम सीनियर्स को अपने जूनियर्स की ताकत का पता होना ही चाहिए। आखिरकार हम लोग इतने वक्त बाद मिल रहे हैं, हम एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं, दामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सीधा सीधा कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स को चैलेंज कर दिया था। दामिनी की बात सुनकर दिव्यम चुप पड़ गया। उसे लग रहा था कि दामिनी उसे फाइट के लिए चैलेंज जरूर करेगी। दामिनी महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुकी थी। उसके सामने दिव्यम जीत नहीं सकता था। भले ही दिव्यम की ब्लड लाइन पावर ताकतवर थी, लेकिन दामिनी उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। इतना ही नहीं, बल्कि वो लेवल्स के मामले में भी उससे ऊपर थी। लेकिन इस वक्त दिव्यम की किस्मत अच्छी थी। दामिनी का उसे चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं था। वो दिव्यम की ताकत को अच्छे से जानती थी। उसने दिव्यम को जंग के मैदान में बहुत बार हराया था, जिसकी वजह से इस वक्त अगर कोई उसका असली टारगेट था तो वो गौरव और एकांश थे। मैसूर शहर के दो प्लेयर्स विद्युत और निहारिका की तरफ बढ़ रहे थे। विद्युत और निहारिका शूरवीर योद्धा के पीक लेवल पर पहुंच चुके थे। भले ही वो लोग एक ही लेवल पर थे, पर सब जानते थे कि मैसूर शहर के प्लेयर्स कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स से ज्यादा ताकतवर हैं। न जाने अब आगे क्या होगा, क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विद्युत को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दामिनी ने राज और माहिरा को विद्युत और निहारिका पर अटैक करने के लिए भेजा है। लेकिन जैसे ही माहिरा और राज विद्युत के नजदीक आए तो विद्युत को अपने आसपास खतरा महसूस होने लगा। उसने घूरते हुए राज की तरफ देखा कि तभी राज बेरुखी से बोला, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, जरा देखे तो हमारी जूनियर्स की ताकत में कितना बदलाव आया है। राज ये नहीं जानता था कि विद्युत हाइड्रा पावर अकेडमी का लीडर है और उससे पंगा लेना सही नहीं होगा। वो विद्युत के साथ बड़ी ही बदतमीजी से पेश आ रहा था। उसके हिसाब से विद्युत एक मामूली सा प्लेयर था। अगर दामिनी ने उसे विद्युत पर अटैक करने का ऑर्डर नहीं दिया होता तो वो कभी विद्युत से बात तक नहीं करता। वैसे राज को खुद पर बहुत गुरूर था, और हो भी क्यों ना। आखिरी बार जब ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था तो वो टॉप 100 में पहुंच गया था। इतना ही नहीं, उसने तो आखिरी बार शूरवीर योद्धा को भी चकमा दे दिया था, जिसके बाद से राज अपने शहर में फेमस हो चुका था। वो विद्युत जैसे नए प्लेयर को चैलेंज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ एक तरफ राज और माहिरा विद्युत और निहारिका को कमजोर समझकर उनसे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें 100% यकीन था कि ये फाइट वही जीतेंगे, लेकिन शायद वो सच से अनजान थे। सानवी और दीपक उन दोनों को आगे बढ़ता हुआ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें फाइट का अंजाम पहले से ही पता हो। इससे पहले कि राज विद्युत पर अटैक कर पाता, व्हाइटफील्ड शहर के एक प्लेयर ने कहा, विद्युत तुम? ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि हर्षित था। उसने जैसे ही विद्युत को देखा तो वो दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत अब कोयम्बतूर शहर का प्लेयर बन चुका था। क्या तुम उसे जानते हो? राकेश ने कहा। वो हर्षित के बगल में ही खड़ा हुआ था। हर्षित के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस वक्त देखने लायक थे। नहीं, बस मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। इतना कहने के बाद हर्षित चुप पड़ गया और कोयम्बतूर और मैसूर शहर के प्लेयर्स के बीच होती हुई अनबन पर ध्यान देने लगा। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ विद्युत पर ही टिकी हुई थी। वो आज बहुत वक्त बाद विद्युत को अपने सामने देख रहा था। मैदान में मौजूद सब लोग विद्युत और राज की तरफ ही देख रहे थे। राज ने जो कुछ भी कहा, विद्युत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। उसने राज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। तभी अचानक हर्षित को उसके कानों में विद्युत की आवाज सुनाई दी। हर्षित, तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर अच्छा लगा। फ्यूचर वॉरियर्स एकेडमी में लोग कैसे हैं? जैसे ही हर्षित को उसके कानों में विद्युत की आवाज सुनाई दी तो वो अचानक घबरा गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी।
ये आवाज सिर्फ और सिर्फ हर्षित को सुनाई दे रही थी। उसके बगल में मौजूद जतिन और राकेश को इस बात की भनक तक नहीं लगी। राज विद्युत पर वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस वक्त विद्युत का ध्यान फाइट पर होना चाहिए था, लेकिन वो बड़े ही आराम से हर्षित से बात कर रहा था। तभी इससे पहले कि हर्षित कुछ कह पाता, विद्युत को दिव्यम की आवाज सुनाई दी। विद्युत, मैसूर शहर के प्लेयर्स हमारे अच्छे दोस्त हैं। इस फाइट में तुम्हारा ज्यादा वक्त जाया नहीं होगा, तुम इन्हें आसानी से हरा दोगे। ये सुनते ही राज और माहिरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो दिव्यम चाहता हो कि विद्युत भी उनके साथ फाइट करे, लेकिन विद्युत ने दिव्यम की बात को अनसुना कर दिया। अगर तुमने मेरे 10 अटैक्स का सामना कर लिया तो मैं खुद तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाऊंगा, राज ने हंसते हुए कहा। इतना कहने के बाद राज ने अचानक एक गोल आकार का ब्लेड निकाला जिसके आसपास आग की लपटें दिखाई दे रही थी। वो आग की लपटें किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। उस ब्लेड पर आग का निशान बना हुआ था। इसे देखकर तो लग रहा है कि ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसने स्कारलेट फ्लेम टेक्निक को उसके 7वें लेवल पर पहुंचा दिया है, भीड़ में मौजूद एक प्लेयर ने कहा। उसकी बात सुनकर दूसरा प्लेयर हां में अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस हथियार के साथ राज की ताकत को महावीर योद्धा की ताकत के साथ जोड़ा जा सकता है। राज की ताकत देखकर कोयंबटूर शहर के प्लेयर्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे। विद्युत, जरा संभल कर, वो बहुत ताकतवर है और तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है, अचानक हर्षित ने विद्युत को चौकन्ना करते हुए कहा। तभी विद्युत ने घूरते हुए राज की तरफ देखा। मुझे तुम पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हराने के लिए मेरी एक नजर ही काफी है, विद्युत ने कहा। इतना कहते ही विद्युत की आंखें चमकने लगी। आई ऑफ हार्ट टेक्निक, विद्युत ने अक्ष ज्ञान की किताब से सबसे आसान टेक्निक को समझ लिया था। जैसे ही विद्युत ने राज को घूरते हुए देखा तो अचानक वो छल की दुनिया में फंस गया। उसके कदम अचानक बीच में ही थम गए थे। उसे ऐसा करता हुआ देखकर मैसूर शहर के प्लेयर्स हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि राज के हाथ से उसका हथियार छूटकर जमीन पर गिर चुका है। उसके बाद राज ने खुद पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उसने खुद को तमाचे मार मार कर अपने गाल लाल कर लिए थे। सारी मेरी गलती है, उसने तुम्हें मार डाला, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, राज ने कहा। वो अपनी ही भावनाओं में बहता चला जा रहा था। उसके दिल में छुपी ये बात आज सबके सामने आ ही गई थी। इस बात को कई सालों से राज ने अपने दिल में दबाया हुआ था। देखते ही देखते राज के होंठ से खून निकलने लगा। आखिर में वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। मैसूर शहर के प्लेयर्स विद्युत की ताकत देखकर दंग रह गए थे। वो सब चिल्ला चिल्ला कर राज का ही नाम पुकार रहे थे। राज, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद को क्यों मार रहे हो, एक प्लेयर ने कहा। उठो राज और विद्युत का सामना करो, दूसरा प्लेयर राज को हिम्मत देते हुए बोला। राज, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है, होश में आओ। तभी दामिनी ने गहरी सांस ली और कहा, राज विद्युत से हार चुका है। उसने अपने कुछ साथियों को राज की मदद करने के लिए भेजा ताकि वो खुद को मारना बंद कर दें। शुरुआत से लेकर अब तक विद्युत चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन फिर भी उसके एक नजर देखते ही राज उससे हार चुका था। विद्युत आई ऑफ हार्ट टेक्निक की मदद से एक प्लेयर के मन में छुपे ऐसे गहरे दर्द को बाहर निकाल सकता था जिसके कारण वो खुद को गुनहगार मानता हो, और राज के साथ भी इस वक्त यही हो रहा था। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा दर्दनाक और बुरा हादसा हुआ था जिसके बाद से वो उस हादसे का गुनहगार खुद को समझने लगा था। आज विद्युत के अटैक की वजह से उसके दिल में छुपा घाव दोबारा ताजा हो गया था। इसकी ब्लडलाइन पावर तो बहुत ही खतरनाक है, दामिनी ने कहा। ये एक प्लेयर को एक नजर देखकर ही हरा सकता है, दामिनी के बगल में मौजूद प्लेयर झट से बोला। अब मैदान में खड़े प्लेयर्स को विद्युत की ताकत का अंदाजा होने लगा था। उनमें से कुछ विद्युत की ताकत और ब्लड लाइन पावर को देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विद्युत ने ये सब कैसे किया। यहां दूसरी तरफ जब व्हाइटफील्ड शहर के प्लेयर्स में मौजूद हर्षित ने विद्युत की ताकत देखी
तो वो भी हैरान रह गया। विद्युत इस वक्त राज के साथ फाइट करने के साथ साथ हर्षित से फ्यूचर वॉरियर्स अकेडमी के बारे में भी पूछ रहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि वो एक साथ दो काम पूरे कर रहा था, पहला हर्षित के साथ बात करना और दूसरा राज को हराना। ये सब विद्युत ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लड लाइन पावर और मेंटल एनर्जी से किया था। राज के हारने के बाद महिरा के कदम अपनी जगह पर जम से गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब उसका निहारिका से फाइट करना सही होगा या नहीं, लेकिन वो दामिनी की बात भी टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने निहारिका को फाइट के लिए चैलेंज कर ही दिया। माहिरा ने एक नजर निहारिका की तरफ देखा तो उसे भी उसकी खूबसूरती से जलन होने लगी। मैदान में मौजूद ज्यादातर प्लेयर्स निहारिका की खूबसूरती देखकर हैरान थे। तभी निहारिका मुस्कुराई और अचानक उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया। इस हथियार का इस्तेमाल उसने आज तक कभी अपने शहर के प्लेयर्स से फाइट करने के लिए नहीं किया था। अचानक माहिरा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए निहारिका पर अटैक कर दिया। उन दोनों के ही अटैक्स बहुत दमदार और देखने लायक थे। दो होनहार प्लेयर्स को फाइट करता हुआ देखकर कंपटीशन में आए प्लेयर्स की एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। अचानक निहारिका ने जैसे ही अपने कीमती हथियार को हवा में उठाया तो उससे निकलती हुई रोशनी माहिरा की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उस रोशनी ने माहिरा के शरीर को छुआ तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। कुछ ही सेकंड्स में उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। करीब एक ही अटैक में निहारिका ने माहिरा को धूल चटा दी थी। इस बार कोयंबटूर शहर के प्लेयर्स की ताकत देखकर मैसूर शहर के प्लेयर्स दंग रह गए थे। उनकी अकेडमी के प्लेयर्स के चेहरों पर शर्मिंदगी और निराशा साफ नजर आ रही थी। निहारिका भी बहुत ताकतवर है, अगर इसने अपने हथियार का पूरी पावर के साथ इस्तेमाल किया तो ये आसानी से खुद से ताकतवर प्लेयर को भी हरा देगी, दामिनी मन ही मन बोली। अब दामिनी को कोयंबटूर शहर के प्लेयर्स की ताकत का अंदाजा हो चुका था। दिव्यम, सुधीर, प्रियांश, विद्युत, निहारिका के साथ साथ दीपक, नियति और सानवी सभी ताकतवर प्लेयर्स थे। उन सबके पास अपनी अपनी खासियत और ताकत थी। दूसरी अकेडमीज की हायर अथॉरिटीज और हेड्स भी इस वक्त चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। कोयंबटूर शहर के प्लेयर्स ने मैदान में उतरते ही अपना दबदबा बना लिया था, लेकिन अगर 10 प्लेयर्स में से सिलेक्ट हुए लीडर्स की बात की जाए तो कोयंबटूर शहर का लीडर बहुत ही कमजोर था। दिव्यम दामिनी से कई बार हार चुका था। जहां एक तरफ कोयंबटूर शहर के पास कुछ होनहार और अकलमंद प्लेयर थे तो वहीं कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जिनकी हार से अकेडमी को नुकसान पहुंच सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बची कुछ अकेडमीज और उनके प्लेयर्स भी वहां पहुंच गए। विद्युत को फिलहाल उन सब से कोई लेना देना नहीं था। जब तक कंपटीशन नहीं शुरू हो जाता तब तक वो अपने खाली वक्त को खुद को और निखारने में लगाना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मैदान में मौजूद प्लेयर्स पर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ देर बाद प्लेयर्स को अचानक दूसरी अकेडमी के प्लेयर्स के आने की खबर मिली। उन्होंने जैसे ही आसमान में उड़ते हुए पक्षी पर बैठे प्लेयर्स की तरफ देखा तो मैदान में मौजूद एक प्लेयर ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो स्वोर्ड अकेडमी के लोग हैं। इनकी अकेडमी को 10 अकेडमीज की ताकत के साथ कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये लोग मिलकर एक पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। प्लेयर्स ने देखा कि उनका लीडर एक आंख वाला तलवारबाज है जो कि महागुनी योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका है। वो वहां मौजूद अकेडमीज के हेड से भी ज्यादा ताकतवर था। ये यहाँ क्या कर रहा है? अचानक वेपन अकेडमी के हेड युवान ने कहा। अगर ताकत की बात की जाए तो स्वोर्ड अकेडमी के लोग वेपन अकेडमी से बहुत ताकतवर थे। स्वोर्ड अकेडमी में दो प्लेयर्स सबसे ज्यादा फेमस थे। उनमें से एक सफेद बालों वाला प्लेयर था, वो थोड़ा सा अजीब था, और दूसरी एक खूबसूरत लड़की जिसकी तलवार जैसी पैनी नजरें मैदान में मौजूद प्लेयर्स की तरफ ही देख रही थी। ये तो, अचानक हर्षित ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, महासंग्राम के कंपटीशन में इस प्लेयर ने अपनी तलवारबाजी से सबको धूल चटा दी थी। उस लड़की की नजरें विद्युत पर टिकी हुई थी, पर विद्युत तो इस वक्त अपनी आंखें बंद करके चुपचाप प्रैक्टिस में मग्न था। उसने बाहरी दुनिया के शोर पर ध्यान नहीं दिया। ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि मानसी थी।
मानसी स्वॉर्ड एकेडमी की सबसे बेहतरीन प्लेयर बन गई थी। स्वॉर्ड एकेडमी को देखकर सबको उनसे जलन होने लगी थी। पिछली बार स्वॉर्ड एकेडमी का लीडर ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन में टॉप 30 में पहुंच गया था। न जाने अब आगे क्या होगा, क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम, क्या शिवन्या भी यहां आने वाली थी, क्या होगा जब विद्युत शिवन्या से मिलेगा, क्या विद्युत टॉप 20 में अपनी जगह बना पाएगा। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्वॉर्ड एकेडमी के प्लेयर्स भी कंपटीशन में पहुंच चुके थे। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। स्वॉर्ड एकेडमी के प्लेयर्स का लीडर निश्चय है। आखिरी बार निश्चय ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कंपटीशन में टॉप 30 में पहुंच गया था। इसे सिर्फ हेवेंस एकेडमी का प्लेयर एकांश ही हरा पाया था, नियति ने धीमी आवाज में कहा। निश्चय महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका था। मानसी के साथ साथ उसे भी स्वॉर्ड एकेडमी का खास प्लेयर माना जाता था। वो स्वॉर्ड एकेडमी में बहुत फेमस था। लेकिन निश्चय के बगल में वो लड़की कौन है? उसे देखकर लगता है कि वो अभी शूरवीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुकी है, एक प्लेयर ने कहा। तुम उसे नहीं जानते, वो स्वॉर्ड एकेडमी की जानी मानी प्लेयर मानसी है। मानसी ने स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक को निश्चय से भी पहले सीखना शुरू किया था, दूसरे प्लेयर ने कहा। सब लोग इस वक्त निश्चय और मानसी की तरफ ही देख रहे थे। यहां तक कि तीन ताकतवर शहरों के लीडर्स की नजरें भी निश्चय पर ही टिकी हुई थी। निश्चय मुस्कुराते हुए दामिनी से मिला, लेकिन न जाने क्यों दिव्यम से मिलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। निश्चय के इस बर्ताव से दिव्यम बिल्कुल भी खुश नहीं था। सब चाहते थे कि वो लोग स्वॉर्ड एकेडमी के प्लेयर्स को अपना दोस्त बना लें, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किल ना हो। स्वॉर्ड एकेडमी के प्लेयर्स से दुश्मनी मोल लेना अपनी हार को बुलावा देने जैसा था, इसलिए कोई भी उन्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। मानसी को मैदान में देखकर दामिनी थोड़ी हैरान रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मानसी स्वॉर्ड एकेडमी की दूसरी ताकतवर प्लेयर बन चुकी है। विद्युत इस वक्त खुद में ही कहीं खोया हुआ था। वो नहीं जानता था कि इस कॉम्पिटिशन में मानसी भी हिस्सा ले रही है। मानसी ने भी इतनी भीड़ में विद्युत पर ध्यान नहीं दिया। विद्युत और मानसी पहले एक दूसरे का आमना सामना कर चुके थे। कोई भी स्वॉर्ड एकेडमी के दोनों ताकतवर प्लेयर्स से फाइट नहीं करना चाहता था। सबको यकीन था कि वो लोग निश्चय की एक तलवार का अटैक भी सहन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मानसी सबका टारगेट बनती जा रही थी। दामिनी भी मानसी को ही टारगेट कर रही थी। तभी प्लेयर्स को वहां दूसरी एकेडमी के आने की खबर मिली। ये तो हेवेंस एकेडमी के प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर ने कहा। वो देखो, वो रहा एकांश, दूसरे प्लेयर ने एकांश की तरफ इशारा करते हुए कहा। एकांश को देखकर सब उसके बारे में बातें करने लगे। उनकी नजरें इस वक्त एक बड़े से खूबसूरत पक्षी पर थी, जो हवा में अपने पंख फहराता हुआ मैदान की तरफ बढ़ रहा था। उस पक्षी पर करीब 3 से 4 ट्रू लॉर्ड रैंक पर पहुंचने वाले प्लेयर्स मौजूद थे। इसके अलावा उनमें से 2 प्लेयर्स महागुणी योद्धा के आधे लेवल पर पहुंच चुके थे। उनके वहां पहुंचते ही सब लोग चुप हो गए। हेवेंस एकेडमी का नाम नंबर 1 एकेडमीज के साथ लिया जाता था। हेवेंस एकेडमी के हेड्स भी ट्रू लॉर्ड रैंक के लेवल पर पहुंच चुके थे। हेवेंस एकेडमी कोयंबतूर शहर के पास में ही थी, लेकिन वो लोग खुद को इस शहर का हिस्सा नहीं मानते थे, क्योंकि ये एकेडमी शहर के बॉर्डर पर बनी हुई थी। सबकी नजरें हेवेंस एकेडमी के एक प्लेयर पर टिकी हुई थी, जिसका नाम एकांश था। एकांश ने जिस भी प्लेयर की तरफ देखा, उसे खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा था। ये हेवेंस एकेडमी का सबसे ताकतवर प्लेयर एकांश है, मैसूर शहर के प्लेयर ने कहा। कुछ प्लेयर्स एकांश को वहां देखकर एक्साइटेड थे, तो वही कुछ प्लेयर्स को उससे जलन होने लगी थी। एकांश को देखकर मैदान में मौजूद लड़कियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो अपनी चमकती हुई आंखों से एकांश को ही निहार रही थी। जैसे ही एकांश वहां आया, तो सब लोग निश्चय और मानसी को भूल गए। सब जानते थे कि एकांश कितना ताकतवर है और कोई भी उसे चैलेंज नहीं करना चाह रहा था। कुछ देर बाद उस रेतीले मैदान में शांति छा गई। सबकी नजरें हेवेंस एकेडमी के प्लेयर्स पर ही थी।
इस बार हेवेंस एकेडमी अपने खास प्लेयर्स को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर आई थी। एकेडमी के 5 से 6 प्लेयर्स राजकुमार दिव्यम से भी ताकतवर थे। एकांश के अलावा हेवेंस एकेडमी की एक प्लेयर ऐसी थी जिस पर बहुत से प्लेयर्स की नजरें टिकी हुई थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सबके चेहरे खिल उठे थे। उसने इस वक्त काले रंग के कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। ये तो शिवन्या है, हर्षित ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो शिवन्या को देखकर हैरान रह गया था। उसके साथ साथ मानसी की नजरें भी इस वक्त शिवन्या पर ही टिकी हुई थी। जब से 13 अकेडमीज के बीच युद्ध शुरू हुआ था तब से शिवन्या का कोई अता पता नहीं था। बहुत से प्लेयर्स शहर छोड़कर चले गए थे, उनमें एक शिवन्या भी थी, लेकिन हर्षित ना चाहकर भी रणविजय के ही साथ था, क्योंकि अगर वो भी बगावत करता तो रणविजय उसे जान से मार देता। लेकिन कुछ ऐसे दिलेर प्लेयर्स जो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में आ बसे थे, उन्होंने अपनी मेहनत से एक नया मुकाम हासिल कर लिया था। इनमें विद्युत, मानसी और शिवन्या का नाम शामिल था। मानसी शहर की नंबर 1 स्वॉर्ड अकेडमी का हिस्सा बन चुकी थी। इसके साथ ही विद्युत अब वेपन अकेडमी का हिस्सा था और हाइड्रा अकेडमी उसके अंडर आती थी। इसके अलावा शिवन्या की किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हेवेंस अकेडमी जैसी खूबसूरत और ताकतवर अकेडमी का हिस्सा बन जाएगी। हेवेंस अकेडमी जानी मानी और सबसे पुरानी अकेडमीज में से एक थी। हेवेंस अकेडमी, स्वॉर्ड अकेडमी और बहुत सी ताकतवर अकेडमीज कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन अब भी किसी एक की कमी है, दामिनी ने इधर उधर देखते हुए कहा। अब तुम्हें किसके आने का इंतजार है, दामिनी के बगल में मौजूद प्लेयर ने कहा। एलीट अकेडमी के प्लेयर्स अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। ये अकेडमी हेवेंस अकेडमी से भी पुरानी है, दामिनी ने कहा। जैसे ही दामिनी ने यह शब्द कहे तो उसे हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा पक्षी नजर आया। वो इतना बड़ा था कि उसे दूर से ही देखा जा सकता था। लो, अब तो एलीट अकेडमी के प्लेयर्स भी आ गए, दामिनी के बगल में मौजूद प्लेयर ने कहा। हेवेंस अकेडमी और स्वॉर्ड अकेडमी के प्लेयर्स ने उस बड़े से पक्षी को घूरना शुरू कर दिया था। एलीट अकेडमी अपने शहर की सबसे पुरानी अकेडमीज में से एक थी। उसकी ताकत स्वॉर्ड अकेडमी से भी ज्यादा थी, लेकिन वो हेवेंस अकेडमी के प्लेयर्स से ज्यादा ताकतवर नहीं थी। एलीट अकेडमी के सिर्फ 3 प्लेयर्स ही उस बड़े से पक्षी पर मौजूद थे, जिनमें से एक अकेडमी का हेड था और बाकी 2 कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स थे। उन दोनों में से एक प्लेयर के घुंघराले बाल थे, उसके हाथ इस वक्त उसकी जेब में थी और वो महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका था। इसके अलावा उसके बगल में मौजूद प्लेयर दिखने में भी मामूली लग रहा था। ज्यादातर प्लेयर्स की नजरें महावीर योद्धा पर थी, लेकिन एकांश, निश्चय और दामिनी जैसे प्लेयर्स की नजरें दूसरे प्लेयर पर थी। वो प्लेयर दिखने में बहुत ही आम सा लग रहा था। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से ज्यादातर प्लेयर्स का उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन तभी दामिनी ने उसे नजदीक से देखते हुए कहा, गौरव, ये तो गौरव है। प्रियांश ने भी जैसे ही गौरव को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून नजर आने लगा। गौरव की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी कम उम्र में ये एलीट अकेडमी का लीडर बन चुका है। पिछली बार भी एक कंपटीशन में इसे सिर्फ एकांश ही हरा पाया था, एक प्लेयर ने कहा। दामिनी, राजकुमार दिव्यम और भी कई होनहार प्लेयर्स एकांश और गौरव से हार चुके थे। इनके साथ साथ मैदान में मौजूद कुछ होनहार प्लेयर्स गौरव को देखते ही रह गए थे। गौरव एक मामूली सा प्लेयर लग रहा था और इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। आखिर ये गौरव कौन है, सब इसे इस तरह क्यों देख रहे हैं, मुझे तो वो दूर बैठे प्लेयर विद्युत की तरह लग रहा है, राकेश ने हंसते हुए कहा। मानसी और हर्षित भी गौरव को पहली बार देख रहे थे। प्लेयर समिट कंपटीशन में सब गौरव को जानते थे। उस कंपटीशन में विद्युत और गौरव का आमना सामना हुआ था। बहुत देर तक आपस में फाइट करने के बाद भी उन दोनों के बीच का मैच ड्रॉ कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी प्लेयर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। गौरव तुम, अचानक शिवन्या ने कहा। शिवन्या को हेवेंस अकेडमी का हिस्सा बने बहुत वक्त हो चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने गौरव और एकांश को एक साथ फाइट करते हुए भी देखा था। वो उन दोनों की फाइट के दौरान ही दोबारा गौरव से मिली थी।
किसी को भी अंदाजा नहीं था कि प्लेयर्स समिट कंपटीशन के बाद गौरव अचानक कहां गायब हो गया था। कुछ प्लेयर्स को लगता था कि वो शहर छोड़कर कहीं दूर जा चुका है, तो कुछ प्लेयर्स को लगता था कि गौरव के अचानक गायब होने के पीछे का कारण उसकी मौत है। लाख ढूंढने के बाद भी किसी को गौरव का कोई अता पता नहीं था, लेकिन अफसोस सब लोग सच से अनजान थे। शिवन्या गौरव की फाइटिंग स्किल्स से बहुत इंप्रेस हुई थी। वो हमेशा शांत रहता था। उसमें और विद्युत में बहुत सी समानताएं थी। गौरव शिवन्या को देखकर खुश था। तभी शिवन्या इधर उधर देखने लगी। अगर दूसरे शहर से प्लेयर्स यहाँ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आए हैं तो क्या यहाँ पर विद्युत भी? शिवन्या ने मन ही मन कहा। शिवन्या के मन में एक नई उम्मीद जागने लगी थी। उसे लग रहा था कि शायद विद्युत भी यहाँ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आया होगा। अपने शहर से भागने के बाद वो लोग अलग अलग हो गए थे। उस दिन के बाद से शिवन्या और विद्युत ने एक दूसरे को नहीं देखा था। शिवन्या चाहकर भी विद्युत को ढूंढ नहीं सकती थी। कोयम्बतूर शहर इतना बड़ा था कि वहां विद्युत जैसे आम और मामूली प्लेयर को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। वैसे भी शिवन्या की इस नई शहर में कोई जान पहचान नहीं थी। उसने यहां आकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी। अचानक से शिवन्या हेवेंस अकेडमी के प्लेयर्स को छोड़कर विद्युत को ढूंढने लगी। शिवन्या, तुम कहां जा रही हो? क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? एकांश ने शिवन्या को रोकते हुए कहा, लेकिन शिवन्या नहीं रुकी। एकांश भी उसके पीछे पीछे चला आया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद शिवन्या अचानक चलते चलते रुक गई। वो कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स के नजदीक पहुंच चुकी थी। ये तो एकांश है, और ये खूबसूरत लड़की कौन है? ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स के बगल में ही खड़ी दामिनी ने कहा, शिवन्या, क्या तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल गया? एकांश ने शिवन्या से पूछा। शिवन्या ने कोयम्बतूर शहर के 10 प्लेयर्स को एक एक करके देखना शुरू कर दिया। चलो हम कहीं और चलते हैं, शिवन्या अचानक मुस्कुराते हुए बोली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिसकी तलाश थी वो उसे मिल गया हो। मैं जिसे ढूंढ रही थी मुझे वो मिल गया है, शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी एकांश की नजरें विद्युत पर पड़ी। वो शिवन्या पर फोकस कर रहा था। शिवन्या नीले बालों वाले प्लेयर को देखने के बाद ही अचानक मुस्कुराने लगी थी। जरूर शिवन्या का इस प्लेयर से कोई तो लेना देना है, एकांश ने मन ही मन कहा। लेकिन एकांश ने शिवन्या से कुछ नहीं कहा। वो शिवन्या से इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता था। क्या ये विद्युत को जानती है? ये उसे देखने के बाद मुस्कुराने क्यों लगी? तभी निहारिका ने शिवन्या को जाते हुए देखा और बोली। उसे ये सब अटपटा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि शिवन्या का विद्युत से क्या रिश्ता है। अभी तो सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स यहाँ पहुंचे हैं, दामिनी ने कहा। वो दूसरे शहरों के ज्यादातर प्लेयर्स को जानती थी। हम लोग यहाँ वक्त पर पहुंच चुके हैं, अब हमें बाकी लोगों के आने का इंतजार करना है, नियति ने कहा। एक बार सब लोग पहुंच गए तो ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान बीच बीच में प्लेयर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे ताकि वो अपने अपोनेंट की ताकत का अंदाजा लगा सके। प्लेयर्स ने कुछ नए चेहरों को भी फाइट के लिए चैलेंज किया, जिनमें मानसी, विद्युत और उसके कुछ साथियों का नाम शामिल था। इस बार कॉम्पिटिशन में नए चेहरे दिखाई दे रहे थे। उनकी ताकत का अंदाजा प्लेयर्स को उनसे फाइट करके लग चुका था। मानसी तलवारबाजी में माहिर थी। वो शूरवीर योद्धा के पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। वो अपने अपोनेंट को एक ही अटैक में हरा सकती थी। न जाने अब आगे क्या होने वाला था, क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम, क्या विद्युत, हर्षित और शिवन्या मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्या विद्युत टॉप 20 तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगा। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिस किसी ने भी मानसी को चैलेंज किया वो सब उससे फाइट में हार गए। इस प्लेयर की स्पोर्ट इंटेंट टेक्निक बहुत ही दमदार है, दूसरी अकेडमी के एक प्लेयर ने कहा। प्रियांश भी मानसी की स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक को देखकर दंग रह गया था। वो भी एक तलवारबाज था।
मानसी उसे कड़ी टक्कर दे सकती थी। मानसी ने आसानी से स्पोर्ड अकेडमी में अपनी जगह बना ली थी। वो उम्र में निश्चय से छोटी थी। उसने महासंग्राम के कॉम्पिटिशन में बड़ी ही आसानी से प्लेयर्स को हराया था। उसके अलावा शिवन्या को भी दूसरे प्लेयर्स ने फाइट के लिए चैलेंज किया। उन प्लेयर्स की ताकत को राजकुमार दिव्यम की ताकत के साथ कंपेयर किया जा सकता था। शिवन्या के बाद रियांश और दामिनी ने गौरव को फाइट के लिए चैलेंज किया, जिसमें रियांश गौरव के 10 अटैक्स में ही हार गया। और रही बात दामिनी की, तो वो भी गौरव से जीत नहीं पाई। अंत में दामिनी को भी हार माननी ही पड़ी। इस बार भी गौरव की ताकत देखने के बाद दामिनी को अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो पहले भी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में गौरव से हार चुकी थी। जहां एक तरफ प्लेयर्स एक दूसरे को चैलेंज करके अपनी अपनी ताकत को आजमा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत को उनसे कोई लेना देना नहीं था। उसने बहुत से प्लेयर्स की फाइट मिस कर दी थी। फिलहाल वो अक्ष ज्ञान की किताब और अपनी ब्लडलाइन पावर पर फोकस कर रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस कॉम्पिटिशन में शिवन्या और गौरव भी हिस्सा ले रहे हैं। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। मौसम का रुख बदलता हुआ देखकर प्लेयर्स थोड़े हैरान थे। देखते ही देखते बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश होने वाली है, एक प्लेयर ने कहा, और फिर कुछ मिनटों बाद तेज बारिश भी होने लगी। तभी बारिश की बूंदों ने जैसे ही विद्युत को छुआ तो उसने धीमे से अपनी आंखें खोल ली। अपनी ताकत को और निखारने के बाद विद्युत को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी देखने, सुनने और समझने की क्षमता पहले से बढ़ चुकी हो। मैंने कर दिखाया, मैं शूरवीर योद्धा बन गया, विद्युत ने खुश होते हुए कहा। उसने एक नया लेवल पार कर लिया था। बीते कुछ दिनों में विद्युत ने अपनी ताकत और शक्ति पर बहुत काम किया था। उसने बिजली की ताकत को निखारा, इसके बाद आत्मा शक्ति क्रिस्टल के लेवल्स को समझा। इतना ही नहीं, बल्कि विद्युत ने तो अक्ष ज्ञान की किताब से भी टेक्निक्स को समझना शुरू कर दिया था। विद्युत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर कुछ जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी। गौरव, मानसी, शिवन्या, विद्युत ने कहा। इन जाने माने चेहरों को देखने के बाद विद्युत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी एलीट अकेडमी के प्लेयर गौरव को कुछ महसूस हुआ। उसके कानों में अचानक विद्युत की आवाज गूंजने लगी। गौरव, तुम यहाँ? तुम अचानक से प्लेयर समिट कॉम्पिटिशन के बाद कहाँ गायब हो गए थे? गौरव ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो वो इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी नजरें विद्युत पर पड़ी। मुझे पूरा यकीन था कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ फाइट करके ही समझ चुका था कि तुम बहुत आगे जाओगे, गौरव ने विद्युत के पास आते हुए कहा। प्लेयर समिट कॉम्पिटिशन में विद्युत ने अपनी ताकत से गौरव को हैरान कर दिया था। कोई भी प्लेयर गौरव से जीत नहीं पाया था, लेकिन विद्युत हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद उनके बीच होने वाले मुकाबले को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से ही गौरव का कोई अता पता नहीं था। जल योद्धा, क्या आप गौरव को जानते हैं? दीपक ने हैरान होते हुए कहा। दामिनी भी इस वक्त विद्युत और गौरव को ही देख रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने विद्युत की काबिलियत को परखने में गलती कर दी है। लगता है ये विद्युत गौरव का दोस्त है, दामिनी ने मन ही मन कहा। जैसे ही सबने देखा कि विद्युत और गौरव आपस में बातें कर रहे हैं तो वो लोग उनकी तरफ देखने लगे। विद्युत, जब से तुम्हारे और मेरे बीच का मुकाबला ड्रॉ हुआ था, तब से मैंने ठान ली थी कि मैं खुद को और ताकतवर बनाकर रहूंगा। उसके बाद से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नए शहर में आकर बस गया। यहाँ से मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मैंने खुद पर बहुत काम किया और तो और तलवारबाजी भी सीखी, गौरव ने कहा। तभी मानसी भी वहां आ गई और बोली, कैसे हो विद्युत, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें याद है तुमने मेरी ब्लेड इंटेंट टेक्निक पर हमला किया था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में अंदरूनी चोटें आई थी। उस दिन के बाद से मैंने ठान ली थी कि मैं तुमसे उस बात का बदला जरूर लूंगी, मानसी ने आगे कहा। एक से एक होनहार प्लेयर्स को विद्युत के पास आता हुआ देखकर मैदान में मौजूद प्लेयर्स के बीच उत्सुकता जागने लगी थी। वो लोग हैरान थे कि इतने ताकतवर प्लेयर्स विद्युत को कैसे जानते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग इस तरह यहाँ मिलेंगे, विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे मानसी या फिर गौरव से डर नहीं लगता था, वो तो उनसे फाइट करने के लिए दोबारा तैयार था। बारिश की बूंदों से प्लेयर्स भीगने लगे थे,
और फिर शिवन्या भी वहां पहुंच गई। एकांश बड़े ध्यान से ये सब देख रहा था। अब विद्युत में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। वो जानना चाहता था कि शिवन्या और विद्युत एक दूसरे को कैसे जानते हैं और उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। पार्थ, जाओ जाकर उस नीले बालों वाले प्लेयर को चैलेंज करो, एकांश ने कहा। जैसे ही एकांश ने यह बात कही तो पार्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पार्थ हेवेंस एकेडमी का कोर प्लेयर था। वो शूरवीर योद्धा के पीक लेवल पर पहुंच चुका था। कुछ देर बाद पार्थ कोयंबटूर शहर के प्लेयर्स के पास जाने लगा। पार्थ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर दिव्यम ने कहा, ये हेवेंस एकेडमी का प्लेयर हमारी तरफ क्यों आ रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि हेवेंस एकेडमी का प्लेयर उनमें से किसे चैलेंज करने के लिए आ रहा है। दिव्यम खुद को नंबर वन प्लेयर समझता था। उसे लगा था कि पार्थ फाइट के लिए उसे ही चैलेंज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्थ उनके पास आया और बड़े ही प्यार से बोला, मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे विद्युत बहुत ही खास लग रहा है, मैं इसे चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुनकर विद्युत ने अपनी आंखें खोल ली। उसे बेवजह प्लेयर्स के साथ फाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पार्थ और विद्युत के बीच किसी भी बात को लेकर अनबन या दुश्मनी नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि वो दोनों आज पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। पार्थ की बात सुनकर विद्युत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पार्थ को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। विद्युत उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाह रहा था। पार्थ एक ताकतवर प्लेयर था, लेकिन उसके पास कोई ब्लडलाइन पावर नहीं थी। बिना ब्लडलाइन पावर के भी वो इतना काबिल और ताकतवर था कि उसे दिव्यम के साथ कंपेयर किया जा सकता था। दूसरी तरफ विद्युत अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो महावीर योद्धा को भी एक नजर देखने पर भी चकमा दे सकता था। तभी विद्युत मन ही मन सोचते हुए बोला, मैं पार्थ के साथ फाइट करके अपनी काली शक्तियों की किताब और बिजली की ताकत के साथ साथ दूसरी हाल ही में सीखी टेक्निक्स को भी टेस्ट कर सकता हूँ। विद्युत अक्सर यही किया करता था। वो ज्यादातर प्लेयर्स को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेता था। जैसे ही पार्थ और विद्युत एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए तो दामिनी, गौरव, मानसी और एकांश सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। देखते हैं तुम मेरे 10 अटैक्स का सामना कर पाते हो या नहीं, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्थ शूरवीर योद्धा के पीक लेवल पर पहुंच चुका था। वो उम्र में भी विद्युत से बड़ा था और उसका एक्सपीरियंस भी विद्युत से ज्यादा था, इसलिए वो विद्युत को कमजोर समझकर उसके साथ बड़े प्यार से पेश आ रहा था। ठीक है, विद्युत ने लापरवाही से कहा। जैसे ही विद्युत ने अपनी बात खत्म की तो वो पलक झपकते ही अपनी जगह से कहीं गायब हो गया। ये आखिर कहां चला गया, पार्थ इधर उधर देखते हुए बोला और फिर उसे अपने आसपास खतरा महसूस होने लगा। तभी अचानक उसने अपने आसपास की चीजों पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को खतरे से बचा सके। लेकिन इससे पहले कि पार्थ कुछ कर पाता, एक तेज बिजली जैसी रोशनी ने उसकी पीठ पर वार किया। इसकी मूवमेंट स्किल तो, पार्थ ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। अब उसे लग रहा था कि शायद उसका विद्युत को कमजोर समझने का फैसला बहुत गलत था। विद्युत इस वक्त पार्थ के पीछे हवा में उड़ रहा था। उसने जैसे ही अपने सामने एक बड़ी सी परछाई देखी तो उसका शरीर कांपने लगा। उसने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और मुड़कर विद्युत पर अटैक कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा तो विद्युत वहां नहीं था। टेलीपोर्टेशन लाइटनिंग स्टेप टेक्निक, विद्युत दोबारा पार्थ के पीछे आकर खड़ा हो गया था। विद्युत ने जैसे ही अपनी बिजली की ताकत से पार्थ पर अटैक किया तो पार्थ जोर जोर से चिल्लाने लगा। पार्थ चिल्लाया। अचानक पार्थ को अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। विद्युत ने अपनी बिजली की ताकत से उस पर अटैक किया था। पार्थ को ऐसा लगने लगा मानो अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। करीब एक मिनट बाद पार्थ को महसूस हुआ मानो उसके बाल जलने लगे हो। वो इधर उधर रेत पर भागने लगा और फिर अचानक कुछ देर बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर विद्युत मुस्कुरा रहा था। ये सब उसने सिर्फ पार्थ को डराने के लिए किया था। अगर विद्युत अपनी बिजली की ताकत के साथ अपनी ब्लडलाइन पावर का भी इस्तेमाल करता तो पार्थ जिंदा नहीं बच पाता। विद्युत का अटैक देखने के बाद पार्थ की एकेडमी से जुड़े लोगों की आंखों में विद्युत के लिए नफरत साफ नजर आने लगी थी। इसके अलावा दूसरी एकेडमीज के प्लेयर्स को अचानक विद्युत से डर लगने लगा था।
पार्थ शूरवीर योद्धा के पीक लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी विद्युत ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, भीड़ में मौजूद एक प्लेयर ने कहा। उसकी बात सुनकर हेवंस एकेडमी के एक प्लेयर ने धीमी आवाज में कहा, इसकी रफ्तार बहुत तेज है। इसने अपने मूवमेंट स्किल और बिजली का इस्तेमाल करके पार्थ को पलक झपकते ही हरा दिया। दूसरी अकेडमीज के प्लेयर्स ही नहीं बल्कि कोयम्बतूर शहर के प्लेयर्स जैसे कि दिव्यम भी इस वक्त दंग रह गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। न जाने ये अपनी ताकत को और कितना छुपा कर रखेगा। इसने खुद से ताकतवर प्लेयर को भी आसानी से हरा दिया, दिव्यम ने मन ही मन कहा। विद्युत ने पिछली फाइट्स में अपनी ज्यादा ताकत को छुपा कर नहीं रखा था, लेकिन उसने कॉम्पिटिशन से पहले खुद पर इतना काम किया कि उसकी ताकत पहले से बढ़ चुकी थी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि विद्युत ने यह सब कुछ ही महीनों में किया था। विद्युत की ताकत देखने के बाद एकांश की सारी दिलचस्पी कहीं गायब हो गई थी। उसे लग रहा था कि विद्युत कोई मामूली सा प्लेयर होगा, लेकिन विद्युत की ताकत देखने के बाद एकांश भी हैरान था। विद्युत की मूवमेंट और फाइटिंग स्किल्स को देखने के बाद मैदान में मौजूद ताकतवर प्लेयर्स के चेहरे देखने लायक थे। हेवंस एकेडमी का प्लेयर पार्थ किसी को भी आसानी से हरा सकता था, लेकिन वो भी विद्युत के सामने टिक नहीं पाया। पार्थ पर अटैक करने के दौरान विद्युत ने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने काली शक्तियों की किताब और अपनी विरासत में मिली बिजली की ताकत को एक साथ जोड़ दिया था। इसके पास भी खास ब्लडलाइन पावर है, दामिनी ने हैरान होते हुए मन ही मन कहा। अब उसे समझ आ चुका था कि जिस प्लेयर को वो मामूली समझ रही थी वो कोयम्बतूर शहर का सबसे ताकतवर और होनहार प्लेयर था। यहाँ तक कि रेयांश और दिव्यम भी उसके सामने कुछ नहीं थे। सबको विद्युत और गौरव काफी हद तक एक जैसे ही लग रहे थे। तभी हेवंस एकेडमी का एक प्लेयर एकांश के पास आया और बोला, लीडर, जिसे हम मामूली समझ रहे थे वो तो बहुत ताकतवर निकला। मुझे लगता है कि उसकी ताकत गौरव या फिर निश्चय जितनी होगी। एकांश के बगल में खड़ा प्लेयर महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका था। उसने जब विद्युत और पार्थ को फाइट करते हुए देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। विद्युत ने किसी खिलौने की तरह पार्थ को मैदान से बाहर कर दिया था, वो भी बिना हाथों का इस्तेमाल किए। वो प्लेयर पार्थ को अच्छी तरह जानता था। पार्थ इतनी आसानी से हार नहीं मानता था। न जाने अब आगे क्या होगा, कौन होगा ट्रू फाइटिंग स्पिरिट कॉम्पिटिशन का विजेता? क्या विद्युत आखिर में टॉप 20 तक पहुंच पाएगा? क्या इसके साथ ही विद्युत नए दोस्त और दुश्मन भी बनाने वाला था? क्या है इन सब सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें महामानव विद्युत सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।